खबर बहराइच से है, जहां कल सांप्रदायिक बवाल हुआ था। कल रात बहराइच के महसी अंतर्गत महाराजगंज में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस में हुए बवाल में पथराव के दौरान गोली चलने से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। इस दौरान गुस्साए लोगों के हुजूम ने आगजनी कर तोड़फोड़ की थी। आज फिर बहराइच में हिंसा भड़की है। बहराइच में प्रदर्शनकारियों ने गाड़ियों में आग लगाई। इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात है। कार्रवाई की बात करें तो पुलिस ने अब तक 25 लोगों को हिरासत में लिया है। इसके अलावा महसी चौकी इंचार्ज हरदी थाने के प्रभारी हटाए गए हैं। कल रात डीआईजी अमरेंद्र सिंह ने एसपी के साथ घटनास्थल का दौरा भी किया और इस दौरान भीड़ के साथ प्रशासनिक अधिकारियों के बीच लंबी बातचीत चली। इसके बाद सभी लोग रास्ते से हट गए और मूर्तियों के विसर्जन का सिलसिला फिर से शुरू हुआ, लेकिन आज फिर वहां हिंसा भड़कने से तनाव है। देखिए, इस समय हम खड़े हैं यहाँ रेहुआ मंसूर गांव में। कल की दुखदपूर्ण घटना के बाद में रामगोपाल जी की मृत्यु हो गई थी, उनकी अंत्येष्टि में यहाँ डेड बॉडी पहुंच गई है। गांव वालों की काफी भीड़ है। यहाँ देखिए अपने विधायक जी, क्षेत्रीय विधायक सुरेश्वर सिंह जी भी मौजूद हैं। आइए हम पूछते हैं कि उनसे यहाँ पर कैसा माहौल है और क्या है। विसर्जन के दौरान एक अप्रिय घटना घटी थी, इसमें रामगोपाल नाम के एक लड़के को महाराजगंज में घर के अंदर घसीट करके गोली मारने का काम किया गया था। आज लोगों ने ले जा करके उसका तहसील पे ले गए थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे। ये जनता का स्नेह है कि हमारे आग्रह करने पर और कार्रवाई सरकार ने की भी है, चौकी और थाने को निलंबित कर दिया गया है। आज शाम तक और बड़ी कार्रवाई होगी, मुकदमा लिख गया है, 20-25 लोग गिरफ्तार हुए हैं और उनके रिश्तेदारों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है और बड़ी कार्रवाई इसमें होगी। 4 बार मुख्यमंत्री जी से वार्ता इस संबंध में हो चुकी है और जितनी भी चीज़ें हैं इस अंतिम संस्कार के बाद में प्रभावी कार्रवाई होगी और जो सरकार कर सकती है वो अपना सब कुछ करेगी।